हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज, ये जो है ना, आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने ताई का घर, जो कि बिल्कुल गांव में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा गांव में। इनका ये छोटा सा डॉगी है इनके घर के पास का। तो देख रहे हो आप कितने अच्छे खेत खलिहान और कितना अच्छा इन्वायरमेंट हो रखा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है ना, तो पूरा ओस ओस सारी जगह हो रखा है, तो इतना मज़ा आ रहा था देखने में। एक्चुअली अच्छी मैं जब तक पहुँची तो हवन ऑलरेडी ख़त्म हो ही चुका था। तो ये है मेरी फैमिली। ये हमारी गुड़िया है, ये हमारे घर में आ चुकी है। कितनी छोटी है, 11 दिन की है भाई, अभी 11 डेज की है ये। ये जले तभी तो हाथ के तो गाइस, यहाँ पे ना ताई ने ना हीटर लगा रखा था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम सब लोग जो बैठ के हीटर पे सेक रहे थे, पर लाइट ही चली गई। तो गांव में यही प्रॉब्लम होता है, लाइट छोड़ दिया है। मुझे लगा बस मेमोरी हो रही है घर वालों की सबके साथ में, आलू गोभी की सब्जी है साथ में, आलू टमाटर की। और गाइस ये बन रहा है खाना। आज तो पार्टी हो गई, आज को नो डाइटिंग, आज घर के खाने। तो गाइस ये हमारा गांव का घर है ताई का, और काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तभी तभी तो खाया जाता है कद्दू, अच्छा होता है। कद्दू अच्छा खाते हैं पूरी के साथ ही, वैसे कहाँ बनता है। गाँव में तो ये तो कद्दू बनाते रहते हैं। नहीं, कौन कद्दू बनाते हैं, बना लो ना, हमें नमकीन तो सबके साथ खाया जाता है। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, चल रहा काम लेने वाला थे। हाँ भाई, थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का। अकेले अकेले खा लो सब। और ये है मेरे भैया नीटू भैया, इनसे मैं बात कर रही थी। कह रही है आपके साथ ही खाऊंगी। आप लोगों के साथ तो लेट हो जाएंगे अभी। हाँ तो कोई बात नहीं, लेट हो गया, मेरे को बहुत टाइम है अभी। दादी भी आ जाएगी। ला मैं मान जाऊं बर्तन। नहीं वो ये लोग खाएंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडियन फैमिली में हमेशा जो लेडीज़ होती हैं जो खाना बनाते हैं, वो लोग सबसे लास्ट में खाते हैं। तो मैंने, भाभी ने और सब लोगों ने लास्ट में खाना लगाया, तो ये हमारे खाने की प्लेट बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है सबके साथ खाने में। बात कर रही है ना तो सुन रही है बड़े ध्यान से। ये दे आप बना इसकी वीडियो। सेल्फी नहीं खींची थी, ऐसी खींची रोज में। अरे बंद करके तो जाने, क्या गाड़ी इसके लिए नहीं है वो। अरे भाई ठंड का मौसम, धुंध का आ रहा है। अरे मम्मी गाड़ी में कुछ नहीं होता, कोई हवा नहीं लगती। वो लंदन ही जब तक आएगा, जब तक दिमाग खराब हो रहा है कि ट्यूशन गया तो कितनी ठंड आएगी। अरे मेरे को बोलू नहीं आता जब तक, मेरे को टेंशन रहता है। रात को आता है वो, कितना समय हो जाएगा। पापा जी को दे दीजिए। ये तो भूखे रहेंगे जब दिन की सारी सर्विस रसोई साफ पड़ी है। नहीं, जब हम होने नहीं चाहिए रात को, नहीं होनी चाहिए। ये चमेला देखा था मैंने, ये तो धोती है इस, ये तो धोती है, ये धोती अभी भी धोती है। हाँ ये धोती है, मुझे पता है। ये रात को धो के रखने, नहीं रात को नहीं धोने लगी हूं, रात वगैरह में धोती नहीं थी। तो गाइस यहाँ पे टॉपिक कुछ ऐसा चला कि जैसे रात को ना बारात वगैरह धो के नहीं रखनी चाहिए, तो उसी के बारे में बात हो रही है।
सवेरे जरूर उठते ही झाड़ू लगाओ, वो सबसे अच्छा होता है। झाड़ू जरूर, चाहे ये थोड़ी साफ है तो तुम झाड़ू लगाओ, झाड़ू तो लगेगी लेकिन ये है कि सवेरे जरूर लगे, चाहे अपने कमरे में लगाओ चाहे कहीं भी लगाओ, सबका भी लोग डाल देगी। अभी हंसते हुए का बनाओ ना, तो फिर हंसते हुए तो अच्छा लगता है, पता चले कि हंसी मजाक कर रहे हैं, सीरियस अरे वो सबकी सोच अलग होती जा रही है ना, इसलिए कोई इंटरफेयर करता नहीं है। दोबारा नहीं हाथ लगाया उसने, गई यहाँ से, मैंने सब बंद कर दिया था, मैंने कहा बस अब हाथ, अब थोड़ा सा ये हुआ था ना कि अब ठाकुर जी ने लाएंगे तो लाएंगे, जैसे चलो पूजा तो हमने करी नहीं, सिर्फ उनको नहीं लाते, भोग ही लगाया उनको ठाकुर जी को, मैं तो हाथ लग गया ना, शिवलिंग में जल भी नहीं गई मैं तो, चढ़ाने ही सी जब से ले रही हो, फिर मां भी जा रही हो, देखो छूतक तो आई है ना घर में, ऐसे कर रखा मैंने, कुछ भी आती नहीं लगाया मंदिर में, और वहाँ वाले में ना आज ये गई बाहर निकली और मैंने जब पर्दे पुर्दे, अरे मम्मी आप तो कर लेते हैं, आपने आपने तो उस टाइम कहा कि भोग लगा देने ला के, जब तो मैंने करा था ना, मैं कहा था मुझे, मैंने पूछा था शाम के लिए, पूछ लिया था मैंने, पूछा था मैंने मम्मी से, मम्मी कहती चलो उनको तो अपने हिला के भोग लगा दे, देख तो लेगी कम से कम, उसकी यादगार है, वो यादें इकट्ठी कर रही है वो सारी, कि बाद में मैं देखती रहूंगी ना, ले सारे कपड़े आ गए तो गाइस ये थी मेरी पूरी की पूरी जर्नी ताई के घर की, और आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, ये चाय का रसगुल्ला वो चाची का रसगुल्ले गिर गए उन्होंने उठा लिए, सो इट्स लाइक आई होप आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नए